क्या आप भी यहाँ 10 दिन के रिट्रीट पर आई हैं अपना नया वर्जन बनने? हाँ बिल्कुल, मुझे खुद में सख्त बदलाव लाने की जरूरत है। वेलकम टू त्रंक्युलम हाउस। यहाँ पर जो भी आते हैं दर्द सहने आते हैं। मुझे दर्द नहीं सहना। वो तो तुम सही रही हो फ्रांसिस। ब्रेकफास्ट 7 बजे, लंच दोपहर में, डिनर 7:30। और यहाँ कितने गेस्ट हैं? 9 लोग हैं। वेलनेस रिट्रीट बिल्कुल बकवास है। और फिर भी अपने पैसे खर्च किए। चलकर मेडिटेट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। तुम ठीक होना चाहते हो, जख्म भरना चाहते हो, तो अपने आप को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं ही एक जरिया हूँ। तो तुम्हारी स्टोरी क्या है? कोई स्टोरी नहीं है। सभी की एक स्टोरी होती है, तो इसीलिए इसने हमें चुना। क्या मतलब इसने हमें चुना? हम सभी का दर्द मिलता चलता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ होना चाहिए। क्यों ना इसे आजमा लिया जाए, शायद कोई नया दरवाजा खुल जाए। कुछ दरवाजे बंद रहे तो ही अच्छा है। फिर तो ऊपर वाला ही बचाएगा, मैं तो क्या ही उखाड़ लूंगी। ये एक अलग ही किस्म का ग्रुप है, तो प्रोटोकॉल शुरू करो। मुझे नहीं लगता ये लोग तैयार हैं। इससे राहत मिलेगी। पूरे दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बदल गई हूँ। लगता है हमारा वक्त अब पलटने वाला है। उसने 9 लोगों को चुना है, जिन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वो उसकी कही हर बात मानते। तुम सब पागल हो गए हो क्या? डरने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। माशा थोड़ी सनकी है या सच में उसमें कोई बात है?